भीख मांगने से बेहतर है कि छोटा सा कोई भी काम लगा के बैठ जाएं। ज्यादा नहीं कर सकते, खिलौने लगा के बैठ जाएं। पिछले एक साल फ्रूट का काम कर रही हूं, कभी बिक जाता है सारा, कभी नहीं बिकता। हम दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी है वो 7th में, इंशाल्लाह अगले साल इसको भी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा, छुट्टी नहीं करती। मेरी अम्मी छोटी सिस्टर है वो भी लगाती। पुलिस वाले CDA वाले तंग करते हैं, किसी टाइम पे तो मुझे रात को 12 भी बज जाते हैं। एहसास प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जिस तरह मैं रोड पे रेडी लगा रही हूँ, मेरा दिल या मेरा जमीर नहीं मानता कि कल मेरी औलाद उठ के वो भी इसी काम के अंदर आए। अच्छी मैं तो CBA पे भी यही रेडी पानी भेजती रही। जब बड़े जवान हो गए, शादियाँ करके तो अपने अलग हो गए, मेरे को छोड़ दिया। खुद लाती हूँ सर, मुझे कौन ला के दे। मैंने एहसास प्रोग्राम में वो अप्लाई किया था मगर मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा ताल्लुक कराची से, मेरी शादी यहाँ पर हुई है। मैं तकरीबन पिछले एक साल से यहाँ पर जो है फ्रूट का काम कर रही हूँ। मैं खुद मंडी जाती हूँ और मंडी जाके वहाँ से लेकर आती हूँ। अपने बच्चों के लिए जो ना 3 टाइम का खाना बस आसानी से सुकून से ले लेते, मतलब हो जाता है। लेकर आती हूँ तकरीबन 5 से 6 हज़ार का लेकर आती हूँ। उसमें यह होता है कि 1,800 रुपये अपनी बचत हो जाती है, कभी बिक जाता है सारा, कभी नहीं बिकता, तो वो दूसरे दिन बेचती हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से आपको पता है कि सब कारोबार के ऊपर कितना ज़्यादा लॉसेज हुए हैं। जिनके साथ काम करते थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने काम से निकाल दिया क्योंकि वो रंग का काम और इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो उसमें इनको कोरोना की वजह से अपना परमानेंट काम नहीं मिलता। दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं, वो दिहाड़ी बच्चे तो नहीं ना देखते कि हमें दिन का खाना मिले ना मिले, वो तो मांगते हैं, काम हो ना हो वो तो मांगते हैं। फिर इस वजह से हम दोनों मियाँ बीबी ने यही सोचा है कि अपने बच्चों को पालने के लिए मैं भी मेहनत करूंगी, वो भी मेहनत करें, हम दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं। पूछता तो हर कोई है भाई, ये नहीं है कि कोई भी नहीं पूछता, लेकिन क्या किया जा सकता है। अपने बच्चों के लिए तो करना पड़ता है, किराए का घर है, बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। मेरे 2 बेटियाँ 1 बेटा है, ये मेरा छोटा सा बच्चा, मैं इसको घर छोड़ कर आती हूँ। कभी मेरी बेटी है रूज आ जाती है मेरे साथ, वरना मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के निज़ाम को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इस दौर के अंदर पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरी बड़ी बेटी है वो 7th में, वो 13 साल की है, और जो छोटी बेटी है वो 5 साल की है, वो अभी नर्सरी में गई है, और ये बेटा अभी इंशाल्लाह अगले साल इसको भी स्कूल में दाखिल करवाऊंगी। ये अभी 4th साल में स्टार्ट हुआ है। पूरा हफ्ता ही लगाती हूँ, कभी कभार बच्चों की ज़िद के ऊपर छुट्टी करनी पड़ जाती है, वरना बहुत मुश्किल होता है, छुट्टी नहीं करती, क्योंकि एक दिन छुट्टी करती हूँ तो घर का निज़ाम बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरा घर मेरी इसी कमाई से ही चल रहा है। क्योंकि मियाँ का काम है वो किधर हफ्ते में एक दफ़ा लगता है नहीं लगता, कोशिश तो अपनी तरफ से भी भरपूर कर रहे हैं लेकिन नहीं है काम। इलेक्ट्रिशियन का काम है, आपको पता है अभी फिर से लॉकडाउन कर दिया लोगों ने, और जो शॉप्स वगैरह ओपन भी की हुई थी वो भी बंद हो जाती हैं, तो वो आपको पता है कि ये दिहाड़ी पे काम होता है, आया आया ना आया ना आया। वही बात मैं आपसे फिर दोहरा रही हूँ कि बच्चे तो ये चीज़ ही ना देखते, बच्चे कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी है खाना दो। जब मैं काम पे नहीं होंगी तो मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से करूँगी। मेरी अम्मी है, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी लगाती है, माशाल्लाह उसके भी 3 बच्चे हैं। पहले मैं आलू पराठे का वो भी काम करती थी, हम दोनों बहनें मिलके यहाँ पर जो है ना काम करती थी, लेकिन जब मैंने मास्क वगैरह सेल करना शुरू किया, पिछले माह रमज़ान की बात है, मैंने सेल किया, लोग कहते थे ये भीख मांगने वाली है, और ये दब्बा मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी कि मैं भीख मांगती हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे एडवाइस दी है कि बाजी आप जो है ना ये काम ऐसे करो, इसमें अल्लाह करेगा आपका निज़ाम भी अच्छा होगा और आपके बच्चों के माली जो घर के माली हालात हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मेरी वालदा है उसको हेपेटाइटिस सी है, भाई वगैरह सब अपने अपने घर का काम शाम में सब में बिज़ी हैं। माँ मेरी यहाँ पर आई है, मैंने अपनी अम्मी को, मेरी बहन ने मुझे एडवाइस दी, मैंने अपनी अम्मी को आगे दी क्योंकि वो 17 साल हो गए उनको हेपेटाइटिस सी है, वो भी माशाल्लाह फ्रूट का काम करते हैं। हम इस्लामाबाद में हम 3 माँ बेटियाँ हैं जो ये काम करती हैं, काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। भाई होती तो मुश्किल है, ये नहीं कि नहीं होती है, मुश्किल होती है। आपको पता है कि आजकल आप खुद भी समझदार हैं कि महंगाई किधर जा रही है, लेकिन बात वही आती है कि अल्लाह की ज़ात है पूरी करने वाली। बंदा कहता है ना कि जितना लो उतना कम है, लेकिन वो मेहनत करती हूँ ना, इस मेहनत के अंदर अल्लाह की ज़ात मेरा मुझे हिम्मत भी देते हैं, और मैं अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना, अपने घर के मुश्किलात जो कुछ भी है, और अल्लाह का कोई नेक बंदा भी आ जाता है, ये नहीं है कि नहीं आते, आते हैं, कोई मदद भी करके चले जाते हैं। उसमें ये होता है कि चलो निज़ाम वगैरह मेरे घर का अच्छा हो जाता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कभी कभार ये पुलिस वाले तंग करते हैं, CDA वाले तंग करते हैं,
मुझे या तो कोई ऐसी जगह अलाट की जाएगी जिसके ऊपर मैं अपने बच्चों का जो है ना निज़ाम आसानी से कमा सकूं, अपने बच्चों को दे सकूं, क्योंकि यहाँ पे रोड पे खड़े हो के हर अच्छे हर बुरे की नज़र पड़ती है। इसी वजह से किसी टाइम पे तो मुझे रात को 12 भी बज जाते हैं और मुझे डर भी लगता है कि अल्लाह मैं जाऊँगी कैसे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माँ का साथ है जिस बिना के रात को 12 एक भी बज जाते हैं, हम दोनों माँ बेटियाँ यहाँ से चली जाती हैं। एहसास प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया है, वो जो मैसेज वगैरह कह रहे थे कि जो है ना आप सेंड करो तो ये चीज़ आपको 12,000 रुपया मिलेगा, पर उस चीज़ के अंदर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैसेज वगैरह कह रहे थे कि आएंगे आएंगे आएंगे, इंतज़ार करते रहे, बाद में पता लगा कि वो एहसास प्रोग्राम का जो डील आई हुई थी वो ख़त्म हो गई है, अब घरों की चल रही है, घरों की भी मैंने दरख्वास्त दी हुई है। अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे, अपने बच्चों के लिए एक छत दे दे जिसके बिना के पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरा कम से कम 12,000 रुपया किराए के घर का है, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगी तो मैं कहाँ से करूँगी। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जिस बिना के पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना रात दिन एक करके भी अपने बच्चों के लिए जो चीज़ मैं सोचती हूँ पूरी करूँ वो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है, वो पूरी करने वाली है। देखें आगे मुस्तकबिल क्या कहता है। जिस तरह आज मैं रोड पे रेडी लगा रही हूँ, मेरा दिल या मेरा ज़मीर नहीं मानता कि कल मेरी औलाद उठ के वो भी इसी काम के अंदर आए, क्योंकि वही कहते हैं ना कि जैसी माँ वैसे बेटी। अल्लाह ना करे कि आज मेरी बेटी मुझे देख रही है, माशाल्लाह वो जवान है, वो मुझे देख रही है कि मेरी माँ रोड पर मेहनत कर रही है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये माशरा आज हमारे इस दौर के अंदर ये चीज़ जा रही है, आगे चल के ये माशरा कितना फास्ट हो जाएगा। तो मेरी यही है कि मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहती हूँ, जो हेल्प होना चाहती हूँ उनकी वो मेरे साथ करना चाहते हैं कर दें। बस इतना कहूँगी कि अपने बच्चों को देखें, भीख मांगने से बेहतर है कि छोटा सा कोई भी काम लगा के बैठ जाएं, ज़्यादा नहीं कर सकते खिलौने लगा के बैठ जाएं, लेकिन भीख ना मांगें। भीख मांगेंगे आज आप भीख मांगोगे कल आपकी औलाद है वो भी भीख मांगेगी। सर मेरा बेटा बीमार अस्पताल में पड़ा, जिसके लिए मेरे से 6-7 लाख रुपये मांगे। मेरे बेटे को कोई ऐसी बीमारी लगी है, मैं बहुत परेशान हूँ, बकाया बेटे ना देते ना लेते, घर से निकाल दिया, आके इधर बैठी हूँ। ठीक है, वो बच्चे के साथ हूँ, बच्चे का इलाज कराने के लिए मेरे पास नंबर सब कुछ उनका पड़ा हुआ है, और मैं बेवा हूँ, 23 साल से मैं बेवा हुई हूँ। मैं यही रेड़ी चलाती रही हूँ सी वी ए पे रह रहे के ना कराची में, तो सी वी ए पे भी यही रेड़ी पानी भेजती रही हूँ। जब बड़े जवान हो गए शादियाँ करके तो अपने अलग हो गए, मेरे को छोड़ दिया। अब मैं इस बच्चे के खातिर कर रही हूँ, जो मेरे बच्चे के लिए मेरे साथ कोई मदद मदद करे, मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें कुछ नहीं बनता, बस इतना ही बनता है जो सौदा ही आता है। कभी 5,000 का लाती हूँ, कभी 4,000 का लाती हूँ, कोई ऊपर से दे देता है तो कुछ हो जाता है, जो नहीं देवे तो उसमें बचत होती ही नहीं, महंगा पीछे सौदा ही महंगा आता है। खुद लाती हूँ सर, मुझे कौन ला के देगा, मेरे पास कोई जवान है ही नहीं है, मेरे को कौन ला के देगा, मैं खुद ही लाती हूँ। गाड़ी में लाते हैं ले जाते हैं, उनको किराया देते हैं, कोई 500 लेता है, कोई 600 लेता है, इधर आ जाती हूँ, फिर इधर बेच बटा के तो इधर बंद करती हूँ, पीछे अल्लाह उनका भला करे, बेचारे कोई जो बच जाता है रख देते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी है, कौन किसी के लिए इतनी कुर्बानी नहीं देता, बहुत अच्छे लोग हैं, इधर रख देते हैं, फिर ले जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर बेचती हूँ, जो बिक जाता है, जो रह जाता है छोड़ जाती हूँ, क्या करूँ। सर मैं सी वी ओ पे पानी बेचती, सारी ज़िंदगी कराची में ही रही हूँ, सारी ज़िंदगी या 10 साल की गई हूँ तो कराची में ही रही हूँ। बच्चे जवान उधर हुए, उनकी शादियाँ उधर की हैं, सारा कुछ उधर किया है, बस अभी जब अपनी जान पर बन गई ना, खुद मेरे को यरकान है, मुझे काला यरकान है, और मुझे शुगर भी हो गया है। अब इस बच्चे के खातिर मैं रोटों में बैठी हुई हूँ, मैं बोलती मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे साथ कोई मदद मदद करे, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं उसकी नहीं दवाई दारू नहीं कर सकती हूँ, मुझे उधर 20,000 मुझे फीस भरनी होती है हर महीने में। खन्ना पुल से आगे सनम चौक आता, सनम चौक पे अस्पताल है मंशियात वालों की, उधर दाखिल करवा, मेरे पास नंबर भी है उनका, सब कुछ आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। काम करने जाता था, ड्राइवर था, काम करने जाते जाते 10-12 साल हो गए मुझे, अभी तक उसकी जान अच्छी थी समझ नहीं आई, जब समझ आई तो गई कहानी दूर चली गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर कोई मदद मदद करे ना, मेरा घर है ना मेरा बार है, मेरे को किराया भी देना होता है, मुझे अपना पेट भी देखना होता है, अपनी दवाई दारू भी लेनी होती है, और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ कोई मदद मदद करे, या मुझे घर ले दे, या मेरे बच्चे के लिए कोई मदद दे दे, उसका इलाज कर लूँ, चलो वो कमाएगा घर ले लूँगी, एक तरफ तो मेरा आसान हो जाए। मैंने एहसास प्रोग्राम में वो अप्लाई किया था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला, वाली जाट पड़ताल पर रखा रखा रखा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर मेरा कुछ ना नाम आया ना कुछ हुआ, कुछ मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस नहीं मिले, क्या पता, वो तो उनको ही पता होगा क्यों नहीं मिले। मेरे को जब उस लोग ने बोला था ना जाट पड़ताल पर रखा हुआ है, तो वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उसमें उनका मैसेज आया था
वो मोबाइल चोरी हो गया, उससे बात है कोई, मुझे पता ही नहीं लगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।